रेडियो कथारत्न। रेडियो कथारत्न पर आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं अंग्रेजी के महान कथाकार ओ हेनरी की एक लघु रचना प्रेस की शक्ति। ओ हेनरी का जन्म 11 सितंबर 1862 में अमेरिका में हुआ था और उनकी मृत्यु 5 जून 1910 को हुई थी। उनकी रचनाएं आज भी बहुत चाव से पढ़ी और सुनी जाती हैं। द लास्ट लीफ उनकी एक अविस्मरणीय रचना है जिस पर नाटक का मंचन किया गया, फिल्में बनाई गई और स्कूल की कोर्स बुक में भी शामिल किया गया। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उनका लिखा हुआ प्रेस की शक्ति। 19वीं सदी में प्रेस की शक्ति पर उन्होंने जो लिखा वो आज भी प्रासंगिक है। 19वीं सदी से 21वीं सदी तक के सफर में प्रेस की शक्ति का समाज के विकास में क्या योगदान रहा, इस रचना को सुनते हुए एक बार मन ही मन आप इसका आंकलन कर ही सकते हैं। लेकिन उसके पहले हमारी प्रस्तुति अगर आपका मनोरंजन करती है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके सहयोग के बिना हमारा काम अधूरा होगा। कहानी के बारे में आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। चलिए शुरू करते हैं ओ हेनरी की लिखी प्रेस की शक्ति। सुबह के 8 बजे दुकान पर समाचार पत्र के ताजा अंक रस्सी पर लटक रहे थे। ग्राहक चलते फिरते समाचार पत्र के शीर्षक देखते या फिर एक पेनी का सिक्का डब्बे में डालकर एक अंक खींच लेते। अपनी कुर्सी पर बैठा दुकानदार ग्राहक की ईमानदारी पर नजर रखे हुए था। हम जिस समाचार पत्र की बात कर रहे हैं वह एक ऐसा पत्र है जो समाज के हर वर्ग के लिए कुछ न कुछ परोसता है। इसलिए इस पत्र को एक शिक्षक, पथ प्रदर्शक, हिमायती, सलाहकार और घरेलू परामर्शदाता का दर्जा मिला हुआ है। आज के समाचार पत्र में 3 अलग अलग संपादकीय हैं। एक में शुद्ध एवं सरल भाषा में माता पिता और शिक्षकों से अपील की गई है कि बच्चों का पालन पोषण बिना मारपीट के किया जाए। दूसरा संपादकीय मजदूर नेताओं के नाम है जिसमें यह आह्वान किया गया है कि वो मजदूरों को हड़ताल करने के लिए न उकसाएं। तीसरे संपादकीय में पुलिस बल से मांग की गई है कि वे बल के प्रयोग से बचें और जनता से अपील है कि वे पुलिस को अपना मित्र समझें। इन संपादकियों के अतिरिक्त ऐसे भी लेख हैं जिनमें युवकों को अपनी प्रेमिका का दिल जीतने के गुर बताए गए हैं, महिलाओं को सौंदर्य साधन के प्रयोग और सदाबहार सुंदरता के नुस्खे दिए गए हैं आदि आदि। एक पन्ने के कोने में एक बक्से में निजी संदेश छपा है जिसमें कहा गया है, प्रिय जैक, मुझे माफ कर दो, तुम सही थे। आज सुबह 8:30 बजे मेडिसन के 4th Avenue के नुक्कड़ पर मुझसे मिलो, हम दोपहर को निकल पड़ेंगे, पश्चातापी। सुबह के 8 बजे दुकान पर एक युवक आया। उसके बाल बिखरे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी और आंखों से लग रहा था कि वो रात भर जागता रहा है। उसने एक पेनी का सिक्का बक्से में डाला और समाचार पत्र लेकर निकल पड़ा। उसे 9 बजे दफ्तर पहुंचना था और रास्ते में नाई की दुकान पर दाढ़ी भी बनवाना था। उसके पास अब समाचार पढ़ने के लिए समय नहीं था, इसलिए समाचार पत्र को उसने अपनी पैंट के पिछली जेब में ठूंस लिया। वह नाई की दुकान में घुसा और फिर दफ्तर की ओर निकल पड़ा। उसे पता ही नहीं चला कि समाचार पत्र कब उसकी जेब छोड़कर सड़क की धूल फांक रहा है। तेजी से चलते चलते उसने अपनी जेब पर हाथ लगाया तो पत्र गायब था। वह कुरकुराता हुआ लौट ही रहा था कि उसके होठों पर मुस्कान की बारीक सी लकीर उभर आई। नुक्कड़ पर उसकी प्रेमिका खड़ी दिखाई दी। वह दौड़ी दौड़ी आई और उसका हाथ थाम कर बोली, मैं जानती थी जैक, तुम मुझे माफ कर दोगे और मुझसे मिलने जरूर आओगे। वह बुदबुदा रहा था, क्या कह रही है समझ नहीं आता। ठीक है ठीक है, खैर अब हम अपने समाचार पत्र की खबर लेते हैं।
तेज हवा का झोंका आया और समाचार पत्र सड़क पर उड़ने लगा। पुलिस वाले ने इसे ट्रैफिक में व्यवधान मानकर अपनी लंबी बाहें पसारी और उसे दबोच लिया। एक पन्ने का शीर्षक था, आपकी सहायता के लिए पुलिस की सहायता कीजिए। इतने में पुलिस वाले को देखते ही बगल के बार की खिड़की से आवाज आई, एक पैग आपके लिए है श्रीमान जी। एक ही घूंट में उसे गले से नीचे उतारते हुए वह पुनः अपनी ड्यूटी पर लग गया। शायद संपादक महोदय का संदेश बिना पढ़े भी ठीक स्थान पर पहुंच गया था, या फिर उस पैग का असर था। पुलिस वाले ने अपने अच्छे मूड का प्रदर्शन करते हुए राह चलते एक लड़के की बगल में वह समाचार पत्र अटका दिया। जॉनी ने घर पहुंचकर अपनी बहन ग्लैडिस को वह समाचार पत्र थमा दिया। एक पन्ने पर सुंदरता के टिप्स दिए गए थे। ग्लैडिस ने बिना देखे वह पन्ना फाड़कर अपना लंच पैक लपेटा और सड़क पर निकल पड़ी। मनचले सीटी बजा रहे थे। काश सुंदरता के टिप्स का पन्ना लिखने वाला संपादक इस दृश्य को देखता। जॉनी और ग्लैडिस का पिता मजदूर नेता था। उसने समाचार पत्र के उस पन्ने को खींचा जिस पर मजदूरों पर संपादकीय लिखा था। उसे फाड़ कर उसने पजल का अंश ले लिया और उसे हल करने बैठ गया। इसका परिणाम यह हुआ कि 3 घंटों की प्रतीक्षा के बाद भी यह नेता मजदूरों के संघर्ष पर निर्णय लेने नहीं पहुंचा। अन्य नेताओं ने यह फैसला लिया कि आंदोलन को रद्द किया जाए। जॉनी ने बचे हुए पन्ने को उस जगह खोस लिया जहां मास्टर की बेत पड़ने की अधिक संभावना होती है। इस प्रकार आज उस संपादकीय की सार्थकता सिद्ध हुई जिसमें शिक्षकों को बच्चों से क्रूर व्यवहार न करने की बात कही गई थी। इसके बाद प्रेस की शक्ति से क्या कोई इनकार कर सकता है? ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि हम आपके लिए नई नई कहानियां लाते रहें।